नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनीत जैन बिजनेस एंड पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच आज लेकर आया हूं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि वह कौन सी हैबिट होनी चाहिए आपकी जो कि आपको एक अमेजिंग पब्लिक स्पीकर बना सकती है। जी हाँ, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। दोस्तों, पहली हैबिट होनी चाहिए डेली मेडिटेशन। दोस्तों, आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेली मेडिटेशन आपके फोकस को इंक्रीज करता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपके इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल कंट्रोल को बढ़ाता है, जो कि पब्लिक स्पीकर के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, यदि आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आपका फोकस, मेमोरी और आपका इमोशनल कंट्रोल बढ़ेगा, जिससे कि आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। सेकेंड हैबिट है रीडिंग बुक अलाउड। आपको डेली बेसिस पे अपनी नेस और अपनी लैंग्वेज वाली बुक पढ़नी है, कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट आप उस लैंग्वेज और उस नेस की बुक पढ़िए जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। इससे आपका सब्जेक्ट मैटर नॉलेज तो बढ़ेगा, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और वो सारी सेंटेंसेस बढ़ेंगे और जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो आपको बुक, और हाँ ध्यान रखिए, बुक को इतना लाउड पढ़ना है जितना कि आप किसी सामने वाले से बात करते हैं या कैमरे के सामने बोलते हैं। इससे आपके वोकल कॉर्ड, आपकी टंग, आपके फेशियल मसल्स और यदि उसके साथ आप बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करें तो यह आपके लिए बेहतरीन होगा। दोस्तों, मेरी थर्ड टिप है वीडियो मेकिंग। दोस्तों, डेली बेसिस पे आप अपना वीडियो रिकॉर्ड शेयर करना, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। दोस्तों, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपका वीडियो से जो आपका कैमरा का क्लियर है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों हमें पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए या तो हमें स्टेज पे जाना पड़ता है या हम कैमरे के सामने बैठ के ही पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। तो जब हमारी वो हैबिट का पार्ट बनता है तो फिर हमारा कैमरे से फियर हट जाएगा और यह हमारी रूटीन का पार्ट बन जाएगा, हम यूज्ड हो जाएंगे। और जब भी आप कैमरे के सामने बात करें, कैमरे में वीडियो, तो हमेशा कैमरे की लेंस से आपका आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट है आपकी आदत का पार्ट बन जाएगा। मेरी नेक्स्ट हैबिट है रिसर्च। दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कम से कम 10 से 15 मिनट की रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, quora.com या आंसर द पब्लिक, और इसके अलावा भी बहुत सारे संसाधन है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो आप जब भी रिसर्च करें तो उसको की पॉइंट को जरूर नोट करें। रिसर्च करने से आपका करंट नॉलेज बढ़ेगा, आप अप टू डेट रहेंगे और आप एज अ एक्सपर्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट हैबिट है राइटिंग। दोस्तों, डेली बेसिस पे राइटिंग कीजिए, क्योंकि राइटिंग करने से आपके थॉट ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आप राइटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, आप जैसे कि बुक पढ़ते हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो इनके की पॉइंट को नोट कीजिए और हो सके तो उसको इस टाइप से कि आप 2 से 5 मिनट का वीडियो बना सकते हैं और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप राइटिंग की हैबिट भी डालिए, यह भी एक अमेजिंग पब्लिक स्पीकर के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हैबिट है डेली टॉक विद स्ट्रेंजर। दोस्तों, कुछ ऐसे संसाधन फाइंड कीजिए जहां पे आप अपने वॉइस के माध्यम से, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं। तो स्ट्रेंजर से बात करने का क्या फायदा? दोस्तों, हमें पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डर लगता है क्योंकि हम स्ट्रेंजर से डरते हैं। आप सोचिए, जब आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से बात करते हैं काफी कंफर्टेबल होते हैं, परंतु जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक फियर ऑफ बीइंग जज है, एक अनसर्टेनिटी का फियर है, फियर ऑफ अननोन है। तो आप जब स्ट्रेंजर से बात करने लगे तो धीरे धीरे वो फियर, स्ट्रेंजर का जो फियर है वो हट जाएगा और फिर आप अच्छे से किसी के सामने भी बात कर सकते हैं। और जब स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, आपका नॉलेज भी इम्प्रूव हो रहा है और आपका नेटवर्क और नेटवर्क भी बढ़ रही है और आपकी रिलेशनशिप भी काफी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। फिर इसके बाद है लास्ट, मेक वीडियो फॉर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आप शुरू में कंफर्टेबल ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कुछ दिन बाद, परंतु यदि आप डेली बेसिस पे आपकी आदत बन जाए कि आपको रील्स अपलोड करना, आपको वीडियो अपलोड करना है, अपने नेट से रिलेटेड वीडियो है आपकी आदत, तो आपकी ब्रांड ग्रो होगी, आपकी रीच बढ़ेगी और इसके अलावा आपकी जो स्पीकिंग की हैबिट है, कैमरा फेस करने, इसकी हैबिट भी बन जाएगी। आप जबरदस्त पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे वीडियो बनाइए और उसको अपलोड कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड मुझे सुनने के लिए,
और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये सारी टिप्स आपको पसंद